महाविकास आघाडीला समर्थन देऊन घरी बैठक घेतल्याच्या रागातून व्यावसायिक जफर अली हैदर अली मर्चेंट यांच्या पत्नीच्या दुकानावर दुचाकी स्वार अज्ञातांनी दगडफेक केली. सोमवारी सायंकाळी 7:30 ही घटना घडली. दगडफेक करणाऱ्यांनी तोड बांधलेली होती अशी माहिती जफर अली यांनी दिली. या घटनेनं शहरातील निवडणूक प्रचारातील राजकीय वाद पेट घेत असल्याच्या चर्चेला उदान आलंय. जफर अली हे कंत्राटदार बांधकाम व्यावसायिक असून सिटी डेव्हलपमेंट फोरम नावाची संस्था चालवतात. सामाजिक कार्यात सक्रिय जफर यांनी महाविकास आघाडीला समर्थन दिलं असून त्या अनुषंगानं त्यांच्या घरी बैठका होत आहे. 2 दिवसांपूर्वी उमेदवार चंद्रकांत खैरे आणि माजी महापौर नंदकुमार खोडेले यांनी कार्यकर्ते समर्थकांची बैठक घेतली होती. जफर अली यांच्या निवासस्थानाला लागूनच त्यांच्या पत्नीचं कपड्याचं मोठं दालन आहे. सोमवारी सायंकाळी अचानक दालनावर दगडफेक झाली. दुकानाच्या सजावटीच्या काचाही तोडफोड करून दुचाकीस्वारांनी आरडाओ केली. आज दुकानावर दगड फेकले आहे, पुढे घर जाळू अशी धमकी दिल्याचा दावाही यावेळी त्यांनी दिला. अज्ञातांनी दालनाच्या काचांवर दगड फेकून पळ काढला. दुचाकीस्वारांनी तोंड बांधलेले होते. घटना घडली तेव्हा ते दुकानात नव्हते, मात्र त्यांनी महाविकास आघाडीला समर्थन थांबवून पतंगासाठी काम करण्यासाठी धमकावल्याचा आरोप केला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानापासून हाकेच्या अंतरावर ही घटना घडली आहे. ब्युरो रिपोर्ट AI News छत्रपती संभाजीनगर. ये मर्चेंट ट्रेड दुकान पे अभी शाम को दो मुंह ढके हुए लड़कों ने दुकान मालिक को धमकाया और कुछ पत्थर फेंके, उसके कारण दुकान का कांच वगैरह टूट के दुकान का नुकसान भी हुआ है. तो ये मालूमात मिलने पर हमारा पुलिस स्टाफ भी आया है. मालूमात लेने के बाद कुछ पॉलिटिकल ड्राइवल से ये हुआ ऐसा लग रहा है, फिर भी इसमें इंक्वायरी करना जरूरी है. यहाँ का पंचनामा तो हम लोगों ने कर दिया है, अभी इनका FIR हम दाखिल कर रहे हैं और इंक्वायरी करके जो कुछ भी होगा वो उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और आरोपी लोगों को पकड़ा जाएगा. और मेरा अपील है, ऐसा छोटा मोटा कुछ भी घटना हुई तो सब लोग शांति बनाए रखें, पुलिस अपना काम करेगी, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी. कि मैं पुलिस की तरफ से आप सब लोगों को आह्वान करता हूँ. इसी साहब, अभी जो ये इलेक्शन की भी शुरुआत ही है और ऐसे हादसे हो रहे हैं सर, तो अभी जो मालूम मिली है उसके हिसाब से तो पहले धमकी दिया, बाद में पथराव किया, ऐसा तो अभी यहाँ कैमरे भी है, CCTV फुटेज निकाला जाएगा, उसमें कैसा क्या घटना घटी है बराबर. इलेक्शन में तो ऐसा चलता रहता है, लेकिन फिर भी हमारा बहुत बंदोबस्त है, पेट्रोलिंग है, बीट मार्शल घूम रहे हैं. अभी ये जरा अंदर का इलाका है तो, या अभी हुआ है तो हमारा पेट्रोलिंग और हम तगड़ा करेंगे और किसी भी जनता को ऐसी तकलीफ नहीं होगी इसका हम. सर, इधर कुछ पुलिस बंदोबस्त वगैरह बढ़ाया गया है? पुलिस बंदोबस्त वैसे है, पेट्रोलिंग चालू है हमारी, सब बीट मार्शल घूम रहे हैं. तो ऐसा फिक्स तो या नहीं है, लेकिन पेट्रोलिंग में जरूर पुलिस आएंगे और ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी. सर, कितने हमलावर थे? जो मालूम मिली है उससे तो 2 हमलावर मालूम होते हैं, तो तुरंत आइडेंटिफाई किया जाएगा और पकड़ा जाएगा. सर, किस तरह की कार्रवाई आप करने वाले? अभी तो FIR होगा, FIR के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन. सर, अभी ये इलेक्शन की शुरुआत है, ये कहीं ना कहीं औरंगाबाद की एक उसपे शांति को खराब करने की चीज हो रही है ना. इलेक्शन के और टाइम भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं इलेक्शन के टाइम भी हुआ है, लेकिन फिर भी वो हिसाब से ही इन्वेस्टिगेशन किया. जैसा आप बताइए, पॉलिटिकल इशू को लेकर ये हादसा हुआ है, अभी क्लियर तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा. जो कुछ उसमें अक्यूज होंगे उनको पकड़ने के बाद उन्होंने क्या हिसाब से किया है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद. सर, शॉप में उस वक्त में लेडीज थी तो कुछ गंभीर धाराएं लग सकती है उसके अंदर? वो FIR में अभी क्या क्या वो पॉइंट देते हैं उसके हिसाब से धारा लग जाए.